मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज तो चक्कर ही आ रहे लग रहे हैं। चलो भाई फाइनली, अभी कौन सा कंक्रीट चल रहा है बे? अरे बाप रे, नींद आ रहा है यार, और हल्का हल्का बारिश भी आ रहा है। चलो भाई मंचूरियन भजी खाते, दे ऑर्डर दे यानी। चलो भाई नाश्ता हो गया, निकल जाए अभी रूम पे चले। बहुत टाइम से ना, बहुत दिनों से एक टॉपिक पे मुझे आपसे बात करना था, बट मैं बात कर नहीं पाया। पहले आप एक काम करो, ये वीडियो देख लो, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। वीडियो के बारे में बात करूं, ये बहुत दिन पहले की बात है, अभी 8-10 दिन के ऊपर हो गए होंगे शायद से, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है इस इंसिडेंट की। बट सीरियसली मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स दिए, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए कि फेमिनिज्म है, ये है, वो है, लोग फेमस होने के लिए ये सब करते हैं। ठीक है, जो लड़की ने किया ठीक है, ड्राइवर से गलती हुआ वो भी ठीक है, लेकिन लड़की ने जो इम्पैक्ट किया उस चीज़ का, या फिर जो सीन क्रिएट किया, एक्चुअली उसकी ज़रूरत थी। एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं भी ट्रांसपोर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग 6 या 7 साल तक मैंने ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस रन किया है, टैक्सी का ही बिज़नेस। बहुत रूट पे मैं खुद भी गया हूँ, बहुत टाइम पे मैंने ओला उबर में भी खुद भी टैक्सी चला, मेरा आईडी भी है ओला उबर में, अभी भी है। मैंने बहुत सारे कस्टमर्स देखे हैं, बहुत सारे इनके जैसे भी देखे कुछ। क्या होता है जब आप और स्मार्ट बन जाते हो ना, अरे बाप रे आज तक कुछ ज़्यादा ही हो गया आज।
ज़्यादा पढ़ लिख के जब आप फोर्स मार्ड बन जाते हो ना, उससे ये दिक्कत क्रिएट होती है। जब आप खुद को शाना समझने लग जाते हो, जब आप रूल्स को ज़्यादा ही फॉलो करने लग जाते हो, उस टाइम पे आपको ऐसी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, सबको पता है कि वो लड़की को आज इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसका इंटरव्यू, वो ड्राइवर का इंटरव्यू लिया जा रहा है, कोर्ट में केस जाएगा, कुछ दिन चलेगा, बवाल चलेगा, और कुछ दिनों के बाद सब लोग ठंडा पड़ जाएंगे, सब लोग भूल जाएंगे। फ़ायदा क्या हुआ ये सब करके, फ़ायदा किसका हुआ और क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक सिंपल सी बात को फोकस करो। अगर गलती से वो ड्राइवर अगर लड़की पे हाथ उठा देता तो क्या होता था? सोच सकते हो आप लोग? वो लड़की की ना सबके सामने इज्जत की माँ बहन हो जाती थी, बाकी कुछ नहीं होता था। ड्राइवर को तो ऐसे भी सज़ा मिली, वैसे भी मिल जाती, एक दिन एक रात तो उसको जेल में काटनी ही पड़ी, वैसे काट लेता सज़ा। हाँ ये भी चीज़ है, अगर उस बंदे की जगह पे अगर मैं खुद होता तो जितने उसने थप्पड़ मारे ना, उसके चार गुना थप्पड़ उसको जड़ देता। एक चीज़ है ना, मेरे फादर ने सिखाई है मुझे, अगर गलत हो ना तो 10 थप्पड़ खाने की ताकत रखो, अगर गलत नहीं हो ना तो 20 थप्पड़ देने की भी ताकत रखो, चाहे सामने वाला प्राइम मिनिस्टर का बाप लड़का क्यों ना हो। समझा? और यही फॉर्मूला है ना, आजमाया करो। यही चीज़ें अगर प्यार से अगर वो लड़की बोल देती उसको, भाई तूने गलत किया, तो बंदा सॉरी बोल देता, वहीं पे मैटर ख़त्म हो जाता था। उसके बाद अभी वापस एक कांड हुआ, वो जो दिल्ली में एक बस ड्राइवर को एक लेडी कांस्टेबल ने पीट दिया। लड़कियों को कोई भी जेंट्स कांस्टेबल या फिर जेंट्स पुलिस वाला हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन लेडीज़ कांस्टेबल एक आदमी को हाथ लगा सकती है, उसको मार सकती है, बीच बाजार में मार सकती है। भाई कुछ भी गलती होने दो, अपना कानून है ना उतना स्ट्रांग है कि उसके ऊपर है ना बहुत सारी धाराएं लगा के उसको अंदर किया जा सकता है, लेकिन हमें वो आदत ही नहीं ना, हमें गुस्सा निकालना है, हमें फ्रस्ट्रेशन निकालना है, घर का फ्रस्ट्रेशन, बच्चों का, बाप का, बेटे का, बीवी का, सबका फ्रस्ट्रेशन हमें बाहर निकालना है। क्यों निकालना है? दिमाग को शांत रख के देखो, सब प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसको जितना दौड़ाओगे ना उतने प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होंगे। और आपका फ्रस्ट्रेशन है, दूसरा क्यों भुगते उस चीज़ को? भाई उस ड्राइवर के लिए तो मेरी तरफ से सिंपथी है, सीरियसली सिंपथी है, लेकिन भाई कभी भी याद रख, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर कोई तेरे पे हाथ उठा रहा है ना, उसकी औकात नहीं है तेरे सामने खड़े होने की, ठीक है? अभी ना, अभी की कंडीशन में सबने ये मान लिया है कि ड्राइवर मतलब है ना एकदम लो कैटेगरी में आता है। लिटरली कुछ लोग हैं अभी भी जो है ना उनको लो कैटेगरी का ही समझते हैं। डिपार्टमेंटल आदमी भी है, बहुत सारे हैं, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी है उसके, अगर मैं दिखाना चाहूँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, रात ख़त्म नहीं हो पाएगी। लेकिन सीरियसली एक सीधी बात है कि जो आदमी ऐसे घटिया सोच रखता है ना, उसकी औकात तक नहीं है वो आदमियों के सामने खड़े होने की। ड्राइवर की ज़िंदगी एक बार जी के देख लो, समझ जाओगे उनका लाइफ कैसा होता है। 12-12, 14-14, 15-15 घंटे वो लोग गाड़ी चलाते हैं कंटिन्यू। ट्रक ड्राइवर्स को तो क्या ही बोलूं यार, उन लोगों को तो मतलब फैमिली नाम का चीज़ पता तक नहीं होता है। रास्ते पे जाने के बाद उनको ये तक नहीं पता होता कि वो लोग घर पे जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सर लोग हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? खुद के लिए? उनका अगर कंट्रीब्यूशन पकड़े ना, या फिर उनको जो जो कमाते हैं ना कंपेरेटिवली
जितना आप लोग को सर्विस दे रहे उस सर्विस के हिसाब से वो लोग की कमाई जीरो है। सीरियसली बोलता हूँ मैं, लिटरली जीरो है। 15,000-18,000 में काम करने वाले वो लोग है, 15,000-18,000 में क्या क्या घर चलता है आदमी का आज बताओ मुझे, जिसका फैमिली है कैसे घर चलाता होगा वो इंसान। थोड़ा है ना उनके लिए भी रिस्पेक्ट करना सीख लो। अगर गलती से उनसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी ठुक जाती है तो उनको मारो मत, कम से कम है ना इतनी इतनी कृपा करो कि उनको मारो मत, ठीक है। वो भी इंसान ही है, जानवर नहीं है कि उनको कुत्ते की तरह पीट देते हैं लोग रास्ते पे। इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है कोई बंदा, अगर लोडेड गाड़ी चला रहा है, गलती से उसका कम ब्रेक लग गया, थोड़ा सा टच हो गई आपकी गाड़ी, चलो मान लो पूरी भी ठुक गई, नुकसान ज़्यादा भी हो गया, तो इंश्योरेंस किस लिए? जाओ इंश्योरेंस क्लेम करो, डालो गाड़ी इंश्योरेंस में। और इतनी गाड़ी की फिक्र है तो घर में रखो उसको, कांच के पेटी में सजा के रास्ते पे क्यों निकालते हो? बहुत लोग देखे यार मैंने, बहुत लोग, पर ऐसे घटिया लोग है ना कम ही होते हैं वैसे भी दुनिया में, ऐसे घटिया लोग बहुत कम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में। लेकिन कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद को इतना शाना समझते हैं कि मामा बस वो है तो सब है। मुंगी जो चींटी ये रहती है ना हाथी के सामने कितनी है, ये दुनिया में तुम लोग उतनी ही हो, तुम्हारी साइज जो है ना ये दुनिया में उतनी ही है, उससे भी छोटी पकड़ लो आप। चलो आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा ज़रूर शेयर करो यार, क्योंकि ना कुछ कुछ मैसेजेस शेयर करने चाहिए, ज़रूरी हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।